हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो अगेन आप लोगों के लिए है। जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था इंटीमेट कि आप इंटीमेट एरिया के हेयर रिमूव कैसे करें, तो उसी पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ आप मुझे इंटीमेट वॉश के बारे में बताएं और कौन सा बेस्ट है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन। तो आज मैंने उसी के लिए ये वीडियो बनाया कि मैं पर्सनली कौन सा इंटीमेट वॉच यूज़ करती हूँ। मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जब से मुझे पता है चला है और जब से इसके बारे में मुझे नॉलेज हुई है कि मैं किस कंपनी का यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उससे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मतलब पूरी बात उसी पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपको आइज़ में प्रॉब्लम है तो आप आइज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जब आपको नोज़ में पेन होता है तो आप नोज़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि जब आपको नोज़ में प्रॉब्लम है तो आप आई के डॉक्टर के पास जाते हैं। सेम यही प्रोसेस हमारी बॉडी पे लागू होता है। अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है या स्किन आपकी फेस की स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो आप उसके लिए अलग फेस वॉश रखते हैं, होल बॉडी का सोप आप अलग रखते हैं। सेम वही चीज़ हमारे इंटीमेट एरिया के साथ है कि उसके लिए भी आपको अलग ही एक वॉश रखना चाहिए, इंटीमेट वॉश रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी और हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल काफ़ी अलग होता है और वहाँ की स्किन, हमारे फेस की स्किन, हमारी बॉडी की स्किन, हमारी इंटीमेट वॉश की स्किन भी काफ़ी अलग होती है, यानी कि काफ़ी सेंसिटिव होती है। हमारी जो भी इंटीमेट एरिया है काफ़ी सेंसिटिव स्किन होती है, तो वहाँ के लिए हमें बिल्कुल लाइट मतलब केमिकल फ्री और बहुत ही माइल्ड जो है हमें इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आज नहीं कल आपको प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, मतलब जो जिस प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ करते हो सोप या कोई दूसरी चीज़, तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ना कि घटेगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि क्या बोलते हैं 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और कि मतलब कि जो आपके पीएच लेवल को भी काफ़ी सही रखेगा। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम होती है लेकिन बस वो टीवी में ऐड आते हैं, देख लेते हैं क्योंकि पूछने में शर्माते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर मेडिकल स्टोर वाले को अपनी प्रॉब्लम बताने या फिर डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताने में थोड़ा सा हिचकते हैं। लेकिन जैसे ही ऐड उनका उसका टीवी पे आना स्टार्ट होता है, उनके लिए वो चीज़ इजी हो जाती है और वो उसे खरीद के यूज़ करते हैं। बस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि टीवी जैसे टीवी में जो चीज़ दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वो काफ़ी अच्छी हो। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पड़े हैं, आप देखिए कि काफ़ी अच्छे हैं लेकिन लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी मतलब हाँ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे एवरटीन का। मैं आपको नेचुरल इंटीमेट वॉश और काफ़ी अच्छा है, 100% नेचुरल है और काफ़ी ही माइल्ड है और सबसे अच्छी बात ऑल स्किन टाइप की है। आप चाहे क्या सेंसिटिव स्किन हो, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन हो, हार्ड स्किन हो, जैसे भी स्किन हो, ये सबके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस कंपनी का यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि इंटीमेट वॉश कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका फुल डेमो दूँगी और काफ़ी सस्ता भी है, जिससे कुछ लोग इस चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पे फ्री होकर पैसा खर्च कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता है। और ये अगर आपने एक बार ले लिया तो 6 to 7 months आपको बोलना नहीं है क्योंकि इसकी एक बूंद ही काफ़ी है। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी फुल डेमो में कि एक बूंद से कितना ज़्यादा इसमें झाग आता है। तो अभी चलिए आगे बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी कि आपको इंटीमेट वॉश यूज़ कब करना चाहिए। देखिए इंटीमेट आप वॉश आपको जैसे आप रेगुलर नहाते हो, फेस को वॉश करते हो, हैंड को वॉश करते हो, स्टमक को वॉश करते हो, वैसे ही आपको अपने वेजाइनल एरिया को भी वॉश करना है डेली बेसिस पे। और आपको एक्स्ट्रा केयर कब करनी है, जैसे कि मान लीजिए जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, जब भी तब आपको रात में या दिन में कभी भी एक ड्रॉप इसकी लेनी है, जस्ट वॉश करना है, बस आपका जितना भी गंदगी है सब निकल जाएगी। जैसे बहुत से लोगों के मन में मिथ होता है कि वो, और मैं बहुत सारी गर्ल्स को ऐसे जानती भी हूँ, मैंने उनसे बात भी किया है कि क्या आप पीरियड के दिनों में अपने वजाइना को धोते हो, साफ़ करते हो, तो सबका आंसर होता है नो, क्योंकि उस समय वो इतनी गंदी होती है कि मैं हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। तो ये चीज़ भी मत हटाइए क्योंकि उस समय आपके वेजाइना को ख़ास ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा केयर ज़रूरत होती है कि आप उसको अच्छे से क्लीन करो।
फ्रेंड, जब आपके मान लीजिए कहीं भी बॉडी पे गंदगी होती है या कुछ भी होता है तो आप उसे वॉश करते हो ना, इसलिए वॉश करते हो कि वहाँ पे बैक्टीरिया ना जमे, वहाँ पे कोई गंदगी ना हो या वहाँ पे कुछ इस तरह से। सेम वही चीज़ है कि अगर आपके स्किन पे कोई किसी भी पार्ट में एक्स्ट्रा गंदगी है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आपको उस समय उसे और क्लीन करने की जरूरत है। तो ये जो एवरटीन का इंटीमेट वॉश है, इसे आप फ्री होके अपने जो पीरियड्स के दिन हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करिए। और जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो तब आपको ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए। और हो सके अगर जैसे जो लोग इवनिंग में नहाते हैं तो वो इवनिंग में भी कर सकते हैं, वरना एक टाइम दिन में इनफ है नॉर्मल डेज पे। लेकिन अगर आप पीरियड्स हो रहा है तो आप 2 बार यूज़ करिए। पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहा हो तो आपको यूज़ करना है। और चलिए मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। हमें इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है और जैसे इस तरह की, और काफ़ी अच्छा है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आपके पीएच बैलेंस को भी काफ़ी कंट्रोल में ये रखेगा। 105 ml आपको मिलता है, इसका एक बड़ा पैक भी आता है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मतलब वो काफ़ी जैसे वो आपको सही पड़ेगा ये वाला भी। जैसे मैं यही बॉटल मंगवाती हूँ और मैंने जस्ट अभी ये न्यू बॉटल मंगवाई है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ पहले इसका रिव्यू करती हूँ तब यूज़ करती हूँ। और ऑल स्किन टाइप के लिए है, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन पीछे लिखे हुए हैं। सो जस्ट मैं आपको फोम के लिए दिखा रही थी कि इसकी फोम कितनी अच्छी बनती है। जैसे लोगों के हम लोगों के मन में एक होता है ना कि जब तक फोम नहीं बनेगा हम समझेंगे नहीं हमें क्लीन क्लीन हुआ है, तो इस तरह से जस्ट आपको एक ड्रॉप, ये भी मैंने फिर भी ज़्यादा ले लिया है, एक ड्रॉप लेना है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा उसमें फोम बनती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल मन को सेटिस्फेक्शन देने वाला है। एक बूंद ही काफ़ी है आपके वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, काफ़ी माइल्ड है। तो इस तरह से इसे यूज़ करिए जस्ट, और ये आपकी बॉटल आराम से 6 to 7 month चलने वाली है। बूंद से ही काफ़ी अच्छा झाग बनता है, जो हम लोगों का डिज़ायर होता है कि जब तक झाग नहीं बनेगा तो नहीं साफ होगा, तो इसको भी वो सेटिस्फाइड, हम लोगों को सेटिस्फाइड करता है उस चीज़ में। सेकेंड चीज़, ये हमारी वेजाइनल एरिया के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, पीएच बैलेंस को काफ़ी कंट्रोल में रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी उस इस जगह की स्किन के लिए पीएच बैलेंस, उसे भी बैक्टीरिया को मारता है। जैसे डेली बेसिस पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलन, खुजली, बदबू, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे भी हटाएगा अगर आप डेली बेसिस पे इसे यूज़ करोगे। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको ये प्रॉब्लम ये होने नहीं देगा। सस्ता भी है, अदर कंपनी से काफ़ी सस्ता है। तो मैं सारे जो भी लिंक हैं इसके जितने हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक जरूर करिएगा। और हो सके तो एक बार ट्राई करेंगे तो आपको जीवन भर इसे ही ट्राई करने का मन करेगा। और इसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस है, बिकॉज़ हमारे उस एरिया के लिए किसी भी तरह की खुशबू हमें बर्दाश्त नहीं है और ना ही यूज़ भी करना चाहिए। तो इसमें जो भी है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और नेचुरल खुशबू भी है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस नहीं डाला गया है। और प्लीज़ एक बार यूज़ करिए, क्योंकि आपकी जो वेजाइनल एरिया है आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड सबसे सेंसिटिव पार्ट भी है। और जो भी मदर मेरा ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ अपने जो भी छोटी लड़की है, मान लीजिए उनको अभी पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, तो उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उनसे बोले कि आज से ही वो इस इंटीमेट वॉश को यूज़ करने लगे। ऐसा नहीं है कि जब आप बड़े हो जाते हो, 30+ हो जाते हो, 20+ हो जाते हो, तभी आपको यूज़ करना है। इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ ये हर एज ग्रुप वालों के लिए है, हर एज के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपकी बेटी को पीरियड होना स्टार्ट हो आप उसे बोलिए और वो इसे यूज़ करें, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है तो बिल्कुल भी हार्श नहीं होने वाला है आपकी आपकी बेटी की स्किन पे। तो फ्री हो के ऑल एज ग्रुप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हो। और एक चीज़, हाँ, जैसे कि जो भी थोड़ा सा एज जिनकी हो गई है, जैसे 40 40+ 50, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको कहीं ना कहीं यूरिन पास हो जाती है दिन में 3-4 बार, और वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को जन्म देती है। क्योंकि जब भी आपका वेजाइनल एरिया गीला रहेगा तो वहाँ पे फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आएंगी, और ये आई थिंक जिनको भी वाइट डिस्चार्ज होता है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस इंटीमेट वॉश
से रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे। जैसे जो लोग भी बूढ़े हैं या जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, वो अगर दिन में से एक बार भी यूज़ कर लेंगे तो इनफ है, क्योंकि वो वहाँ की गंदगी को साफ रखेगा, बैक्टीरिया को क्लीन करेगा, तो बैक्टीरिया नहीं आएगा। हो सके तो हमेशा ड्राई रखिए। जो भी टॉयलेट पेपर होता है, एक रोल, मान लीजिए आप टॉयलेट पेपर नहीं यूज़ करते हो टॉयलेट के लिए, तो आप उसे एक रोल मंगवा के रख लीजिए। इंटीमेट एरिया को वॉश करिए इसे, उसके बाद उसे ड्राई कर लीजिए, पूरा दिन ऐसे ही रखिए। मान लीजिए आप, कुछ लोग होते हैं काफ़ी काफ़ी वैसा होता है कि 3-4 बार बाथरूम हो रही है, हर बार इससे वॉश करिए, टिश्यू पेपर से साफ करिए, बिल्कुल भी बैक्टीरिया आपको नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ आपको इन्फेक्शन नहीं होगा उस जगह पे। तो ये कर सकते हैं। जिनको भी जैसे कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो जो मैंने एक पैंटी लाइनर बताया था वो यूज़ करें, उसके साथ ही ये इंटीमेट वॉश यूज़ करें। तो वुमेन हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नेकलेट करते हैं कहीं ना कहीं आके, वो चाहे 13 साल की लड़की हो या फिर 20-25 साल की लड़की हो, मतलब लोग इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक लड़की के लिए, कि उसे अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसकी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसकी जो हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो आज नहीं कल आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। अगर ये मेरे वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस प्रोडक्ट को खरीदने के सारे लिंक नीचे दिए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे हैं, किसी एक वेबसाइट नहीं, आई थिंक मोस्टली हर वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मैंने जो भी सामने मुझे पड़ा, मैंने वो आप लोगों को दे दी है, 3-4 वेबसाइट्स मैंने आपको दी हैं, तो जाके चेक कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ऑफर्स चला करते हैं, तो रेट इसीलिए मैं नहीं बताती क्योंकि वो ऑफर्स मैंने जो बताया, पता चले ऑफर्स आपने बोला, बोलेंगे कि इन्होंने तो अलग बताया था। तो आप जाके एक बार चेक करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।